आत्मज्ञान के प्रेरणा स्रोत, वंदनीय संत समाज, सत्संग की सरिता में उपस्थित आत्मीय बंधुओं, ममतामय करुणामय वात्सल्यमय माताओं एवं प्यारी बहनों, इस वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों के बीच कुछ देर कुछ विचार रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी हम सब हमारे कई संतों के द्वारा ज्ञान की सुंदर सुंदर बातें सुन रहे थे। जीवन को कैसे सजाना है, कैसे संवारना है, इस जीवन में कैसे खुशबू बिखेरना है, इन्हीं सब बातों पर हम सत्संग सुन रहे थे। थोड़ी सी बात मैं भी रखने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे जीवन में दो मूलभूत बिंदु हैं। जैसे कोई भी गाड़ी एक पहिया से नहीं चल सकता, वैसे ही हमारा जीवन भी किसी एक आधार पर नहीं चल सकता। हमारे जीवन का दो आधार है, वह है आध्यात्म और परमार्थ। अध्यात्म हमारे जीवन का खास अंग है, लेकिन इससे हम अछूता रह जाते हैं। व्यवहार की बातें बहुत सुन लेते हैं, जैसे कोई बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे बोलना सिखाया जाता है। बचपन से उसे माँ, दादा, दादी, माता पिता सब उसे माँ बाप दादा दादी बोलना सिखाते हैं, और वह बच्चा बचपन से ही सीखते 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 बड़ा होता है। बंधुओं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्या वह बच्चा जीवन के अंतिम क्षणों में जब वो बड़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, तो क्या वह यह सीख पाता है कि कब कहां और कैसे बोलना चाहिए? बच्चा बचपन से ही बोलना सीख जाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी बूढ़ा होते तक वह यह नहीं सीख पाता कि हमें कब कहां और कैसे बोलना चाहिए। बोलना व्यवहार है, लेकिन कब कहां और कैसे बोलना चाहिए, ये है अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है जैसे हमें प्यास लगती हो, हमें प्यास लगी हो और हम कोई तरल पदार्थ पी लें, लेकिन उसके पीने से हमारी प्यास दूर ना हो बल्कि प्यास और बढ़ जाए, तो वह क्या होगा? वह पानी नहीं, कुछ और ही होगा। अगर हम पानी पिएंगे तो क्या होगा? पानी पिएंगे तो हमारी प्यास बुझ जाएगी। वैसे ही अध्यात्म, अध्यात्म वह चीज है जिसके मिल जाने से हमारे जीवन में सुख और शांति आ जाती है। यदि हमारा मन पीड़ित है, यदि हमारा मन दुखी है और यदि हमें अध्यात्म मिल जाए तो हमारा मन शांत हो जाता है, मन शांति से भर जाता है, जीवन में खुशहाल आ जाती है। हमारे जीवन के ये दो बिंदु हैं, अध्यात्म और परमार्थ। परमार्थ व्यवहार, जिसको हम सब दिन रात दिनचर्या के रूप में करते हैं, उठना बैठना, खाना पीना, चलना, हंसना हंसाना, बोलना बताना सिखाना,
ये सब व्यवहार है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है, जैसे कोई भी सिक्का होता है तो उसके दो पट होते हैं, एक तरफ उसका मूल्य लिखा होता है और एक तरफ उसकी छाप लगी होती है, जो भारत सरकार की मुहर होती है, तभी वो सिक्का पूरा माना जाता है। यदि उसमें कहीं भारत सरकार का कोई चिन्ह ना हो, केवल एक लिखा हो, तो वो सिक्का एक रुपए का सिक्का नहीं होगा, वो क्या होगा? खोटा होगा। वैसे ही हमारा जीवन, यदि हमारे जीवन में उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना सब कुछ हो रहा हो, लेकिन हमारा मन यदि दुखी है, हमारा मन यदि पीड़ित है, हम अभी दुखी दुख महसूस करते हैं, तो जान लीजिए हमारा जीवन अभी खोटा है। यदि हमें दुख का अनुभव होता है तो जान लीजिए वह आदमी आदमी नहीं, वह जानवर है। बात बुरी लगेगी, कड़वी है ये बात, लेकिन बात सच है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा अवसर है, एक ऐसा समय है जहां हम सुख और शांति को पा सकते हैं। क्या कभी घोड़ा और गधा को आप कह सकते हैं कि वो सुख और शांति से जीवन जी सकता है? नहीं ना। कभी क्या घोड़ा और गधा विचार कर सकता है? कभी ज्ञान प्राप्त कर सकता है? सुग्गा जैसे कुछ जानवर होते हैं, जिनको अभी हम लोग सुन रहे थे ना, रट्टू सुग्गा, उसको रटा दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है कि तुम्हें ये बोलना है। हम सब बचपन से यही सीखते आ रहे हैं। एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ता है पहली कक्षा से बारहवीं तक, उसके बाद न जाने कितनी डिग्रियां प्राप्त करता है, लेकिन क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो पैसा कमाने का तरीका सीख पाए। सिर्फ नौकरी के लिए वो पढ़ाई करता है। क्या कभी जीवन को जीने के लिए, जीवन की जिंदगी को सजाने और संवारने के लिए हम कोई परीक्षा पास करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं? दुख की बात है कि जिस चीज की हर इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत है, जिस चीज की इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत है, उसकी कभी कोई पढ़ाई नहीं होती, और जो होती है वो ये सब कूड़ा कचरा ही होता है। यदि कोई बच्चा पढ़ने पढ़ करके पैसा कमाना सीख जाए, लेकिन उसे खर्च कैसे करना है यह नहीं जान पाया, तो उस पैसे का कोई मूल्य नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जो हमें जीवन मिला है, इस जीवन को यदि हम अच्छे ढंग से नहीं जी पाते हैं, इस जीवन की कीमत नहीं समझ पाते हैं, तो हमारा मनुष्य का जीवन मिलना भी बेकार है। अनेक संतों के द्वारा आप सब बहुत बार सुन चुके हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। एक शायर ने कहा है, हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम फिर भी आदमी भटकता है। ये भारतवर्ष संतों की भूमि है, महापुरुषों का खजाना है। यहाँ अनेक खिज्र पैदा हो चुके हैं। खिज्र मतलब उपदेष्टा, संत गुरु महापुरुष पैदा हो चुके हैं। वे अपने समय में सब आते रहे, जगाते रहे। बुद्ध के जमाने में बुद्ध ने जगाया, सदगुरु कबीर के जमाने में सदगुरु कबीर ने जगाया, सदगुरु अभिलाष सहज जी ने जगाया। आज हम जहां बैठे हैं, मौनी बाबा की तपस्थली है ये। उन्होंने कैसे जगाया? 12 वर्षों तक मौन रह करके ये दिखाया कि बिना बोले भी जीवन जिया जा सकता है। कितना बोलते हैं हम, रात दिन बक 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 करते रहते हैं। जो चीज हमें नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलते हैं।
जो बोलना चाहिए वह तो बोलते ही हैं, लेकिन जो चीज हमें नहीं बोलना चाहिए वो भी हम व्यर्थ में बोलते हैं। मौनी बाबा ने ये दिखाया, करके दिखाया कि बिना बोले भी जीवन जिया जा सकता है। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं कह रहा था कि हम अपने जीवन को इस ढंग से बनाएं कि लोग हमें देखकर सीख लें। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमारा जीवन इतना सुंदर होना चाहिए जैसे कोई बगीचा हो या कोई खाली जगह हो जहां पर कोई अच्छा फूल खिला हो, तो वहां भौरे को इकट्ठा करना नहीं पड़ता है, भौरे को बुलाना नहीं पड़ता है, भौरा खुद ब खुद चला जाता है। वैसे ही जब हमारा जीवन सुंदर होगा, जब हमारा जीवन सुव्यवस्थित होगा, जब हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, तो लोग हमसे सीख लेना शुरू कर देंगे। लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि हमारे जैसा जीवन हम भी जिए, उनके जैसा जीवन हम भी जिए। सदगुरु कबीर ने कहा है, कमल पत्र है संत जन रहे जगत के माही, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाही। भारतवर्ष में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण अध्यात्म के लिए दिया जाता है, और वह क्या है? वह कमल का फूल। कमल का फूल आप कभी भी देखेंगे तो वो कहां खिलता है, कहां पैदा होता है? तालाब में या कीचड़ में, जहां गंदगी भरी होती है, जिस तालाब में, जिस पोखर में, वहीं वो पैदा होता है। लेकिन कभी उसके ऊपर कीचड़ नहीं होता, वो कभी कीचड़ में लिपायमान नहीं होता है। कभी कमल का फूल आप देखिएगा, जब तालाब में पानी जब भर जाता है और नीचे दलदल होती है, कीचड़ होती है, तो वहां छोटा सा एक पौधा ऊपर उठेगा, वो होता है कमल का। और धीरे 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 वो इतना ऊपर उठ जाता है कि पानी से ऊपर और खिल जाता है। और जब खिल जाता है, उसके ऊपर आप एक अंजलि पानी भी अगर डाल देंगे तो वो रुकता नहीं है, वो पानी भी उसमें चिपकता नहीं है, वो नीचे ढरक जाता है। वैसे ही संतजन होते हैं, सदगुरु होते हैं, इसी संसार रूपी कीचड़ में पैदा होते हैं। आप और हम जैसे एक ही माँ के पेट से, गर्भ से पैदा होते हैं वे भी, लेकिन वो अपने जीवन को इतना मांझते हैं, इतना सजाते हैं, इतना संवारते हैं कि वो इस संसार से ऊपर उठ करके जीवन जीते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, एक घर में तीन लोग रहा करते थे, पति, पत्नी और उसका बेटा। पड़ोस के ही घर में वहां भी तीन लोग रहते थे, लेकिन थोड़े बूढ़े हो चुके थे, दादा दादी और उनका पोता। कुछ दिनों के बाद दादाजी की तबीयत खराब हो गई, और जैसे ही उसकी तबीयत खराब हुई तो पोता ने उसे हॉस्पिटल ले जाकर के एडमिट कर दिया। जैसे ही वहां एडमिट किए तो दिन पर दिन हालत थोड़ी गंभीर होती जा रही थी। तो इधर से जो बूढ़े बाबा जो एडमिट थे, उनकी पत्नी बूढ़ी माँ यहाँ से फोन लगाती है अपने नाती के पास, पोता के पास, कि बेटा कैसे है आपके दादा का तबियत? तो उन्होंने कहा कि ये तो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, ये दिन पर दिन उनका तबियत और बिगड़ता चला जा रहा है। इतना जैसे ही सुनती हैं, वो माता खूब रोने लग जाती है, और इनके रोने की आवाज सुन करके जो पड़ोसी थे, पड़ोस में रहने वाले लोग दौड़ करके चले आए, आए देखे, क्यों रो रही है माताजी? बताया। वो आदमी कुछ देर वहां बैठा और चला गया अपने घर। उसके घर में जैसे ही गया तो उसकी पत्नी काम कर रही थी, उससे बताने लगा कि हमारे जो बगल के पड़ोसी दादा हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनका तबियत बहुत खराब हो गया है, इसलिए ये माताजी रो रही हैं। कुछ देर के बाद फिर वहां से हॉस्पिटल से फोन आया, कहा कि अब ऑक्सीजन हट गया है, थोड़ा अब तबियत सुधार होने लगा है।
इतना जब सुनते हैं तो वो थोड़ा खुश हो जाती है बूढ़ी माता। अगल बगल के पड़ोसी भी जान पाते हैं तो लगता है कि हाँ खुश हुए। तो यहाँ सबका खुशी का माहौल। कुछ दूर में एक आदमी और रहता था, वो दोनों घटना सुन रहा था। जब पहली घटना जब वो आदमी सुना कि ये तबीयत इस बूढ़े की खराब है, तो वो खुश हो गया। लोगों ने कहा कि सब लोग दुखी मना रहे हैं, वो आदमी खुश कैसे, वो आदमी इतना खुश कैसे हो गया। पूछने पर पता चला कि वो आदमी इस बूढ़े बाबा से कर्ज लिया था और वो ये सोच रहा था कि ये बुढ़वा मर जाए तो मुझे कर्ज नहीं पटाना पड़ेगा, वो इसलिए खुश हो रहा था। कुछ देर बाद जब वही आदमी फिर से सुना कि उस बूढ़े बाबा का जो ऑक्सीजन था वो हट गया है, अब वो फिर से जीवित होने वाला है, तो जो कर्ज लिया था वो आदमी रोने लग गया। वो रोने लग गया, कहा कि अब तो मुझे कर्ज पटाना पड़ेगा, ये बूढ़े बाबा जिंदा हो गए हैं। एक ही घटना है लेकिन सबके मन में कितना प्रभाव पड़ता है। बूढ़े बाबा जब एडमिट थे तो उसकी जो पत्नी थी, बूढ़ी माँ थी, वो रोने लग गई। और जैसे वो बूढ़े बाबा स्वस्थ हो गए, वो बूढ़ी माँ खुश हो गई। लेकिन वही पास में रहने वाले लोग दोनों समय शांत, लगा कि हाँ कुछ हुआ है। लेकिन वही एक आदमी जो कर्ज लिया था, वो जब बूढ़े बाबा मरने वाले थे तब खुश हो रहा था, और जब वो बूढ़े बाबा स्वस्थ हो गए तो दुख मनाने लगा। घटना एक ही है लेकिन सबकी मनस्थिति, मन की स्थिति बदल गई। मेरा कहने का मतलब है कि हम में दुख क्यों होता है, हमें दुख क्यों होता है, जब हमारे मन में अच्छाई के प्रति राग हो जाती है, अच्छाई के प्रति जब हमें ये लगने लग जाता है कि ये सुख हमें मिलता रहे, तब हमें दुख होने लगता है। आप कभी अनुभव किए होंगे, जैसे अभी यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, किसी को भी पूछ लीजिए हवा की कीमत क्या है, हवा की कीमत क्या है, कोई भी इंसान अभी नहीं बता पाएगा। लेकिन यही किसी को ऑक्सीजन ना मिल पा रही हो, उसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का एक थैली लगाना पड़ जाए, नली लगाना पड़ जाए, तब उसे उस हवा की कीमत पता चलती है कि वो कितना कीमती ये हवा है। वैसे ही पानी, हमें आसानी से पानी मिल जाता है, और यहाँ बिहार की धरती में तो कहना ही क्या है, 25 फीट, 10 फीट, 15 फीट, बहुत कम गड्ढा खोदना पड़ता है। लेकिन राजस्थान के क्षेत्र में जाइए, 500 फीट, 700 फीट, 1000 फीट खोदते हैं तो भी धूल के अलावा कुछ नहीं मिलता है। उन लोगों से पूछिए पानी की कीमत क्या है। एक लोटा पानी वो लोग पाने के लिए 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जाते हैं। 5 लीटर का गैलन होता है ना, हम लोग पैर धो करके बर्बाद कर देते हैं। उन लोगों को जब 5 लीटर पानी लाना होता है तो 10 किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं। और कैसे, इतनी चिलचिलाती धूप में, गर्मी में, और रेगिस्तान की गर्मी आप सब जानते होंगे, जहां धूल ही धूल। हमें पानी की कीमत अभी पता नहीं है। जितना हमें अभी फ्री मिला है, जो चीज सबसे सस्ती होती है ना, वो सबसे आसानी से हमें मिल जाती है, इसीलिए हम उसकी कीमत नहीं जानते हैं। ये जीवन भी ऐसे ही है। माँ बाप ने हमें जन्म दे करके हमारे ऊपर एक एहसान कर दिया है, ये जीवन हमें दे दिया है, लेकिन इसकी कीमत हमें पता नहीं है। और कीमत इसकी तब पता चलेगी जब हम मरने के कगार में आ जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये जीवन जो मिला था ये व्यर्थ ही चला गया, जो इससे हमें काम करना था वो हम नहीं कर पाए। बंधुओं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो जिंदगी हमें मिली है, जो ये छोटी सी, नन्ही सी, प्यारी सी जिंदगी जो हमें मिली है,
इसे जितना हो सके सजाने का काम करें, संवारने का काम करें, इसे खुशनुमा बनाने का काम करें, इसे व्यर्थ न जाने दें। हम सब कोई बच्चे नहीं हैं। बहुत से लोग यहाँ जो हैं जीवन के अधेड़ उम्र को पार कर चुके हैं, इतना तो समझ चुके हैं कि आज तक हमें क्या मिला, इस जीवन में रह करके हमें आज तक क्या मिल गया, जो मिला सब कुछ यही छूटता चला गया, सब कुछ यही छूटता चला गया, साथ मिला क्या, साथ केवल हमारा सत्कर्म साथ जाता है, जो हम जीवन जीते हैं उससे जो हमें पुण्य मिलता है वो पुण्य ही हमारे साथ जाता है, इस पुण्य की कमाई कर ले जो आगे काम आएगा वही हमारे साथ जाता है और वही हमारे जीवन को सुकून देता है, वही हमें शांति देता है, वही हमें हमारे जीवन में चमक लाता है। तो बंधुओं, हम आज से अभी से यह जीवन का शुरुआत करें कि हम अपने जीवन को सजाने का काम करें, संवारने का काम करें और इसे खुशनुमा बनाने का काम करें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।